नमस्कार। मैं आपको कल के कुछ अनुरोध के बाद एक बिंदु पर आज बल देना चाहूँगा। एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी मिली है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार के मास्क को हम आजकल प्रयोग कर रहे हैं उससे यदि हमने सुधार नहीं लाया तो ये जो रेड कलर की जो लाल रंग की लाइन है ये दिखा रही है अभी कोविड के केसेस किस तरह से बढ़ेंगे। इसमें हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। यदि जितने लोग आज मास्क पहन रहे हैं उसका दुगने लोग मास्क पहनने को तैयार हो जाएं, तो आप देखें ये जो ग्रीन लाइन है जो हरी लाइन है ये दिखाती है कोविड के जो फैलने की दर है वो काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाएगी, परंतु उस संख्या को कम से कम 3 गुना करने की ज़रूरत है। यद्यपि ज़रूरत है सभी 100% लोगों को मास्क पहनने की, ये स्टडी का एक पहलू है। सामान्य तौर पर स्टडी के कई पहलू होते हैं, तो इसके थ्रू ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मास्क पहनना अत्यंत जरूरी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मास्क पहनने के भी कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए मैं देखिए डबल मास्क पहन रहा हूँ, पर सबसे ज़रूरी है कि जब मास्क पहने तो इस तरह से पूरी तरह नाक मुंह अच्छी तरह और थोड़ी कवर्ड हो। बहुत सारे लोग इस तरह से मास्क पहनते हैं, ये मास्क पहनना बहुत ही खतरनाक है, इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता, इससे जो है कोविड का संक्रमण उसी तरह से बढ़ता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब मैं कभी बाजार में जाता हूँ ये देखकर दुख होता है कि बहुत सारे लोग आधे से ज़्यादा लोग ऐसा मास्क पहनकर पाए जाते हैं, ये तरीका भी गलत है। मास्क इस तरह से पहनना जाना है कि आपका नाक आपका मुंह और आपका ये एरिया पूरी तरह से ढका हो, क्योंकि जो कोरोना वायरस शरीर में घुसता है वो मुंह नाक और आँख से घुसता है, और हम हाथ लगाते हैं इसलिए अंदर जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हाथ बार बार धोएं। पर आज मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करना चाहता था कि सभी लोग मास्क अवश्य पहने, और यदि ये जिसने ये स्टडी करी है उसने ये भी दिखाया है कि आज हम लगभग जो है 16 अप्रैल के पास हैं, यदि 20 अप्रैल तक ये हम इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी अगले 10 दिन में इस पर नियंत्रण पा लेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कृपया करके मास्क सही ढंग से हर समय बाजार में जाते हुए बाहर जाते हुए इवन घर में भी आप हर समय मास्क अवश्य पहने। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।